अब ये रोड भी खराब हो गई, पूरी रोड पर पानी पानी है। ये देखिए रास्ते बने हुए हैं हमारे लिए इधर से, ये लोगों को बताई थी, अब तो बिल्कुल बड़ी झील बन गई है ना। अब ये देखें इधर बिल्कुल खाली हो गई, अब सामान उठाकर चले गए। यहाँ पर जिशान मौज करता था, अब सुकून हुआ पड़ा है इधर। तो जी अब हम जा रहे हैं पानी भरने, नहर है बड़ी एक यहाँ से, ये दरिया से आती है। तो इधर ना वो फिर उसके पास ही ये नलके लगे हुए हैं, तो इधर का पानी बहुत अच्छा होता है, मतलब साफ पानी होता पीने वाला। और लू की दीवार गिर गई, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना ये दीवार भी गिर गई। दूर खड़ा है मैं ना, उधर अंधेरा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ। वीडियो में पैसे मांगे थे, अब मुझे दें। अच्छा मेरे पास आते, मैं तुमसे मांग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ, जो मेरे बहन भाई, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमावे। और इसलिए मैं आज स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि दफ्तर मैंने बंद कर दिया है और इकराम भाई भी साथ हैं और हमें नीचे बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि व्लॉग का आगाज करना था और हमारा व्लॉग अब स्टार्ट। तो दोस्तों एक भाई ने पूछा था हमारे यहाँ जो झील थी उसके बारे में कि वो अब कैसी है। तो ये झील का माहौल देखें, ये गली, ये रोड, जो रोड उस दिन दिखाई थी वहाँ से जाते हुए ना, ये इधर से जाते थे, अब ये रोड भी ख़राब हो गई, पूरी रोड पर पानी पानी है। ये देखें ये डूब गई है, ये देखें ये सारी, इसका ये हाल हुआ पड़ा है, सारी डूब गई है, इधर रोड तक पानी आ गया। और जो दूसरी झील थी पहले वाली वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इधर से ना, ये अब रास्ता तो इधर से नहीं है तो हम इधर से जाते हैं। अब ये देखें, ये देखें, अब ये रास्ते बने हुए हैं हमारे लिए इधर से, ये दीवार के साथ साथ इधर से अब जाना पड़ता है। और मैं आपको दिखाता हूँ वो दूसरी झील, ये देखें इधर से, ये इधर तक पानी आया हुआ है, ये अस्पताल है और अस्पताल की दीवार के पास ही पानी आ गया है, ये बारिश की वजह से इतना पानी हुआ है। तो ये रोड वो तो खुद बिल्कुल बंद हो गई है ना। तो आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पानी सारा इधर, वो दरमियान में था वो जगह कुछ ऐसी पहले से टूटी हुई थी और जब दूसरी ये बारिश आई तो उससे ना वो जो सोलिंग डली हुई थी, जो ईंटें लगी हुई थी ना, वो सारी टूट गई। और ये देखें ये पानी इधर से, ये कुछ कुछ बची हुई है सड़क, ये देखें, और इधर से ये पानी ने काट दिया है इस रोड को भी। और इधर से देखें, और ये जो झील आप लोगों को बताई थी अब तो बिल्कुल बड़ी झील बन गई है ना। अब ये देखें इधर तक, ये हमारी जो सड़क है, जो सोलिंग बनी हुई थी, ईंटें डली हुई थी इधर, जो वो भी अब ख़त्म हो गई। और ये सारा पानी पानी है इधर, वो जो घर देखें उस घर को पानी के अंदर आ रहे हैं ये घर, ये एक ये घर, एक वो तो बिल्कुल ये नीले वाला ना, इसके चारों तरफ पानी पानी है। और ये सारा ये झील बन गई है, अब बहुत बड़ी झील बन गई है। अब तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो जी अब मैं घर पहुंच गया हूं और ज़ीशान इधर खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कहाँ जाना है? पानी भरने जाना है, आपका वेट कर रहा था, अभी आप आ गए तो चलते हैं। ये जी मेरे लिए पहले वेट कर रहा था कि पानी भरने जाना है, ड्रमी उठाई हुई है, केन उठाया। और मैं जाते थे ना, अभी आते तो छोटा है, वो इतनी बड़ी पीछे नहीं पकड़ पाएगा, गिर जाएगा। हाँ तो फिर अब चलते हैं पानी की तरफ। और ये देखें बैठक का हाल, बैठक बिल्कुल खाली हो गई, अब सामान उठाकर चले गए। यहाँ पर ज़ीशान मौज करता था, अब सुकून हुआ पड़ा है इधर, बिल्कुल खाली करके पंखे भी उतार गए। ये देखें पर्दे वगैरह सब कुछ, मालिक मकान आए और ये बैठक भी खाली कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ इधर क्या करूँ, यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो इधर रखूँ, वो क्या होती हैं चार पाइयाँ, अब वही डालेंगे और इधर पंखा लगाएंगे, नहीं तो नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं है, नीचे वाला इधर लगा कर गुजारा कर लेंगे।
इधर ना, वो फिर चार पाइयाँ डाल लेंगे। पहले तो वीआईपी माहौल बना हुआ था बैठक का, ऐसे लोकेशन बहुत प्यारी आ रही थी, अब तो बिल्कुल खाली कर दिया है और लगती भी बहुत बड़ी है अब तो। अब चलते हैं पानी लेने। हाँ जी ऋषान चले, चलो जी अब चलते हैं पानी भरने, आपको दिखाते हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं पानी भरने, आज नए रास्ते से जा रहे हैं। ऋषान जहाँ से जाता था वहाँ से आज मैं नहीं जा रहा, आज मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ। तो ये रोड आ गई, ये वाली, इस रोड से अब जाएंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं पानी वाली जगह पर जहाँ पर पानी भरते हैं, और ये देखें वो ऋषान पानी भर रहा है इधर। और ये यहाँ की लोकेशन, ये एक मस्जिद बनी हुई है जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी ना, ये मस्जिद के सामने वाले आगे जो वो प्लांट बना हुआ था उधर की थी, तो ये वही जगह है। और ऋषान भी पानी भर रहा है, और ये लड़के भी आए थे, ये भी पानी भरने आए थे। इधर पानी का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, पानी बहुत ख़राब हो गया, और बारिशें हुई हैं ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी ख़राब हो गया। तो इसलिए अब ये नदी के है, ये नहर है बड़ी एक, यहाँ से ये दरिया से आती है, तो इधर ना वो फिर उसके पास ही ये नलके लगे हुए हैं, तो इधर का पानी बहुत अच्छा होता है, मतलब साफ़ पानी होता, पीने वाला होता है। जो हमारे घर का है वो कड़वा पानी है, और ऐसे लगता है जैसे डीजल हो, बिल्कुल पीला। तो इधर का है जो पानी बहुत बहुत अच्छा है। हाँ जी ऋषान चलें, उठा लिया अब हम चलते हैं घर। तो जी दोस्तों अब मैं आ गया हूँ स्टेशन पर, लेनो पर स्टेशन है उधर। तो मैं जा रहा हूँ वो मेरी सिस्टरों के घर, क्योंकि आतिफ ने अभी मुझे बताया है कि मामू वालों का घर ना उनकी दीवार गिर गई है, तो जाके देखता हूँ उनका माहौल के क्या है सब, ये ना हो कि कोई सामान भी उठा के ले जाए। तो अब उनकी तरफ जा रहा हूँ, जाकर फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं अब अपने पुराने घर, पुराना अपना नहीं, अहमद का ये बना रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बन रहा है अब तो, हमने तो गुजारा किया हुआ था, इसने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये गली, तो चलते हैं सिस्टर वालों का घर देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये गिरी हुई है उनकी दीवार, ढोलू की दीवार गिर गई, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ना ये दीवार भी गिर गई। और इधर पता नहीं बाहर, उधर से तो ताले लगे हुए थे, वो अंदर से उधर से ताला लगा हुआ है, बाहर से भी ताला लगा हुआ है। मेरे ख्याल में कोई रहता है अभी इधर, क्योंकि ये कपड़े टंगे हुए हैं धोए धो के इधर। तो ये दीवार गई टूट, बेचारों की जितनी मेहनत जिन्होंने की थी सारी मेहनत अब गिर गई। ये देखें एक एक ईंट हो गई है अब। इधर से पानी मेरे ख्याल में घुसा है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। ये देखें इधर, यहाँ से पानी आया, और इधर से ना ये दरार, इधर से फिर इस दीवार के नीचे अंदर, और इसी तरह ये पूरी दीवार ना बहुत बहुत उतने तक, ये देखें ये सारी ये गिर गई। मतलब कि आतिफ सच बोल रहा था कि मामू की दीवार गिर गई है बारिश से। तो ये दीवार, वो तो गए हुए हैं शादी पर, अब जब आएंगे तो फिर दोबारा बनाएंगे, और इधर सामान भी पड़ा हुआ है। लो जी अब चलते हैं दूसरी तरफ, ये दीवार ये देखें, इसी पर झगड़ा था और ये पहले गिर गई। कोई कहता था कि इसको तोड़ो, तो कोई कहता था कि इसको रखो, ये गिर गई। चलो जी अब चलते हैं दूसरे। तो ये तो सब शादी पर हैं, अकरम मेरे ख्याल में वो भी शादी पर चला गया। तो ये आ गया बेबो, बेबो भाग रहा है अपने बाबा को देखकर, वो अहमद इधर, ये उसको देखकर अब भाग रहा है, पंखा चल रहा है। तो इधर ये हो गए टीयर, मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, सबा का भाई है, ये कलर कर रहा है इसको। हाँ भाई कलर कर रहे हो, ये हो गए हैं ये वाले, ये अभी करने हैं। तो इनका कलर क्यों चेंज है, इनका ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, इनका सही है। ये इधर से जो है ना, ये उल्टे पड़े थे इसलिए। हाँ ये देखें ये जंग चढ़ गई है बारिश की वजह से,
इधर वकार अहमद खड़ा है, महीउद्दीन का साहेबजादा। अब शू अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। और ये कर रहे हैं इधर से गली का माहौल, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, अंधेरा हो गया ना इसलिए। अब इधर से वो मिस्त्री साहब उधर ओ पर चढ़ा हुआ है, ओ देखें लगे हुए हैं अभी तक भी, मगरिब होने वाली है और ये लगे हुए हैं। इधर अंदर का विजिट कराता हूँ आपको। तो जी अब आ गए हम अंदर और इधर मिस्त्री साहब पसीनों पसीना हुए पड़े हैं। अरशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आप कहेंगे दूर खड़ा है, मैं ना उधर अंधेरा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और यहाँ महीउद्दीन साहब वो पड़े हैं और ये हो गए, अभी नहीं अभी नहीं आता हूँ मैं आपकी तरफ। तो ये इधर से स्टार्ट करते हैं, ये दो वाशरूम, ये सब तो वैसे दिखाया हुआ है ना व्लॉग में, ऐसे मैं बोर करूँ सबको इससे बेहतर है ना ही दिखाऊँ। तो जितना हो गया है वो दिखा देता हूँ। वो ये है, ये गैलरी तोड़कर ऊपर लंटर डाल दिया और इसकी कल छत डालेंगे इंशाल्लाह, कल सारी छत की सेटिंग होगी। अच्छा, तो भाई जान की हालत देखें, पसीनों पसीना हुए पड़े हैं। मगरिब मगरिब का टाइम हो गया है, अजान हो गई है और भाई साहब अभी लग गए हैं, माशाल्लाह मेहनत जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं महीउद्दीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लगाया हुआ है जनाब? ये क्या लगाया हुआ है? खैरियत है, सिगरेट है। सिगरेट है? हाँ। क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चुन्नू मुन्नू ठीक है? हाँ। सिद्दीक वो कौन है, कौन है? ओए कुछ बोल। ये नहीं बोलता, हंसता है थोड़ा थोड़ा। और सुनाएं जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने वीडियो में पैसे मांगे थे, अब मुझे दें। अच्छा, मेरे पास होते मैं तुमसे मांग रहा होता। उस दिन आपने मेरे बारे में लगाई थी ना, आज मेरे हत्थे चढ़ गए और जल्दी से ना पैसे दो मुझे। अच्छा ठीक है, पैसे मैं आपको देता हूँ। वो 5 रुपए बच्चे थे, कहाँ? नहीं 5 रुपए नहीं लेने वो भाई, 5 रुपए में घर मिलता है। कल ना मैंने अहमद भाई से पैसे मांगे हैं। हाँ। उसके जेब में थे 10 रुपए। हाँ। अब इतने बड़े माशाल्लाह यूट्यूबर जो है ना, उनको नाश्ता नहीं मिलता। तो हमें क्या मिल रहा होगा, अंदाजा लगा। ये बात है, आजकल ना हालात बहुत ज्यादा टफ चल रहे हैं। हाँ। चलो कोई नहीं, अल्लाह देगा, परेशान ना हो इंशाल्लाह। जब अल्लाह पाक देगा ना तो ले जाना जितने भी पड़े होंगे। वकार अहमद आप क्यों हंस रहे हो, 5 रुपए पे हंस रहे हो? वाह जी वाह। और इधर इधर देखे, एक भाई ने तो कपड़े भी उतार दिए, गर्मी बहुत ज्यादा है ना इसलिए। तो जी दोस्तों अब मैं आ गया हूँ घर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट भी अभी आई है। तो इतनी सी बात वीडियो बनाई आप, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।